हेलो स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री में क्वांटम संख्याएं। कल अपने देखे थे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, परमाणु मॉडल वगैरह, तो जनरल सामान्य टॉपिक थे, कंप्लीट हो गए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्वांटम संख्याएं। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या होती क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले क्वांटम संख्या होती क्या है, तो क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसका अभिविन्यास, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा और अभिविन्यास को बताने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्याएं। और ये संख्याएं परमाणु के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए उतनी ही सहायक होती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के एड्रेस के लिए उसका गली, मोहल्ला, मकान, स्टेट, जो भी जरूरत है उसके एड्रेस की, उसी के अनुरूप परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन संख्याओं को बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। यह संख्याएं चार होती हैं। तो नंबर एक मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे प्रदर्श करते हैं छोटे एम से। नंबर दो डिंगसी क्वांटम संख्या, इसे प्रदर्श करते हैं एल से। नंबर तीन चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंट स्मॉल एम, किसे प्रदर्श किया जाता है छोटे एम से। और नंबर चार अपना चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर प्रदर्श किया जाता है एस से। तो ये है अपनी चार क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या एल, द्विंगसी क्वांटम संख्या एल, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, और चक्रण क्वांटम संख्या एस। तो सबसे पहले देखते हैं अपन नंबर एक मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्श किया जाता है एन से। तो यह जो क्वांटम संख्या है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को प्रदर्शित करती है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूर होगा। यानी बात कहें तो यह जो क्वांटम संख्या होती है, यह परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, यानी परमाणु के अंदर कोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, कोष को। बोर परमाणु मॉडल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थायी गोलाकार पथों में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थायी गोलाकार पथों में एक चक्कर लगाते हैं, जिन्हें बोर ने क्या नाम दिया था, कोष, यानी ऊर्जा स्तर। क्या नाम दिया था, ऊर्जा स्तर। तो उसने नाम दिया था के, एल, एम और एन। प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा और चतुर्थ ऊर्जा स्तर, जिन्हें कहते हैं ऊर्जा स्तर, यह प्रदर्शित किया जाए एन से, यानी एन बराबर एक, दो, तीन और चार। यानी ये जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, यानी परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि ये जो क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये परमाणु के आकार का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है, परमाणु के आकार का। यानी एन का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, ऊर्जा स्तर का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यह जो क्वांटम संख्या होती है, किसको प्रदर्शित करती है, परमाणु के आकार को, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को। यानी जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, यानी ऊर्जा स्तर का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा,
इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक आकर्षण बल कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक आकर्षण कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो पकड़ होती है कमजोर होती जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता जाता है, यानी उसके स्थायित्व घटता जाता है। ठीक है, इन्हें कोश कहते हैं। किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? 2n² होती है। ठीक है, इस प्रकार अपन ऊर्जा स्तर से अपन उसी कौन सी थे, के एल एन और एन। के में अधिकतम कितने, 2, इसमें 8, इसमें 18, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे अपन, अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। उसका कारण क्या है, 2n². तो K के लिए n का मान कितना होता है, 1, L के लिए n का मान कितना होता है, 2, और n के लिए n का मान कितना होता है, 3, और n के लिए l का मान कितना होता है, 4। ठीक है, तो K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। कैसे आते हैं, उसका कारण क्या है कि यहाँ K के लिए n का मान कितना होता है, 2, तो 2×1^2 बराबर कितने आएंगे, 2। इसलिए K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। इसी प्रकार एल की बात करें तो एल के लिए एन का मान कितना होता है, एल कब लिखते हैं, जब मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान कितना हो, 2, तो 2×2^2 बराबर कितने आ जाएंगे, 8। इसलिए एल में कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। इसी प्रकार एन में कितने आएंगे, 2×m कब लिखते हैं, एन का मान कितना है, 3, तो 3×2 बराबर कितने आ जाएंगे, 18। इसी प्रकार एन में 2×4^2 यानी 32। इस प्रकार के एल में 2×8=32 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से 2n² से भरे जाते हैं। तो ये थे अपनी मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताते हैं, परमाणु के आकार को, यानी एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 होने में ऊर्जा स्तर कौन से, के एल में कोश होंगे। ठीक है, तो ये थे अपनी पहली क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।